स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक्सरसाइज 1.1 के लिए पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी, ए डिवाइड्स बी, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स, एन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। जरा देखिए, आपको दे रखा है आर एक रिलेशन डिफाइंड है और हमें शो करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। आर रिलेशन के लिए हम बात करेंगे सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव के बारे में। किसी भी सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी वो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। प्रत्येक ऐसे ए एलिमेंट के लिए ए टाइप का एलिमेंट आर में होना चाहिए। तो जरा देखिए, हम ए कब बिलोंग करेगा, कंडीशन क्या दे रखी है, ए डिवाइड्स बी, तो मतलब ए डिवाइड्स ए, सही बात है, ए ए को डिवाइड कर सकता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि ए ए टाइप के एलिमेंट उसके अंदर होंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, पहली कंडीशन, नाउ ए डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स ए इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स में ट्रू है, आगे और भी कंडीशंस बन सकती हैं कि जिसमें ये कंडीशन ट्रू ना हो। तो ए ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड वन कंडीशन पर बात करेंगे हम सिमेट्रिक के बारे में। हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है ए डिवाइड्स बी। अब ऐसा तो नहीं है कि जरूरी कि भी ए बी को डिवाइड करता है तो बी भी ए को डिवाइड करेगा। यदि सिमेट्रिक होना है तो इसको तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है, बी डिवाइड्स आर, बी डिवाइड्स ए। अब ऐसा थोड़ा ही है कि ए बी को डिवाइड करता है तो बी भी ए को डिवाइड करेगा। अब हम जैसे एक एग्जांपल लें यहां पर, भाई 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, लेकिन 8 4 को डिवाइड नहीं करता। हम मान लें 4.8 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 8.4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 8 को डिवाइड कर देता है लेकिन 8 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। हम बोलेंगे बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वन देखेंगे, हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। अब देखिए बहुत ही क्लियर सी बात है, ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा, ए डिवाइड्स सी। हम देख लें, एक एग्जांपल लें, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को, ये ए है, ये बी है, सी है। देखिए ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को डिवाइड कर देगा यहां पर, बिल्कुल ए सी को डिवाइड कर देगा। तो क्या होगा इसका मतलब, ए सी को डिवाइड करता है तो ए सी बिलोंग्स टू आर, और ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो आर इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। जरा देखिए कैसे, इसमें दो पार्ट है आपके पास, हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं एंड सेकेंड वन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इसमें कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन वाली, मींस ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन दे रखी है। यदि ए बी उसके एलिमेंट है तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ये आर की कंडीशन है। तो ए इज ग्रेटर देन ए, ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर अपने आप से ही बड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई नंबर अपने आप से ही बड़ा हो, तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन ए, ये कैन नॉट बी पॉसिबल। सो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दूसरा देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए ए बी से बड़ा है और यदि इसको सिमेट्रिक होना है तो देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन
ए, ऐसा हो सकता है कि भाई ए बी से बड़ा हो और बी फिर ए से बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। थर्ड वन पार्ट देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। हमने मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां पर बी इज सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए जरा, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन सी। भाई देखिए, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए किससे बड़ा हो गया, सी से, तो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो जाएगा यहां पर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स है आपके पास, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ये आपके लेस देन के लिए, पहले वाला था आप ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, अब ये है आपके पास ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू बी के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए सेकेंड वन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर ये आर में होगा तो ये वाली कंडीशन है इस बार, लेस देन और इक्वल टू। तो देखिए ए ए के बराबर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, तो ए ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इस वाले केस के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है आर। अब सेकंड वन देखिए, सेकंड वन है सिमेट्रिक के बारे में। लेट हमने मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई अब बी जो है वो, अब देखिए यहां पर ए लेस देन है तो यहां पर बी लेस देन इक्वल टू ए हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले तो ये था उससे बड़ा था लेकिन अब उससे क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए ये नहीं होगा, तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां पर ए छोटा था बी से या फिर बराबर था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बी छोटा या बराबर हो जाए ए के, तो क्या बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वन देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हमने ये मान लिया। इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और इसका मतलब क्या है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहां पर इसका मतलब है ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब यहां पर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए किससे छोटा हो जाएगा, सी से। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये आपके पास एक रिलेशन दे रखा है, हम आपको पहले बात करते हैं पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव के ऊपर, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, आर होना चाहिए, और कंडीशन क्या दे रखी है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर, कहाँ, रियल नंबर्स पर। ध्यान से देखें, रियल नंबर्स पर, तो क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, कहाँ, जब ए जीरो और वन के बीच में होता है। क्यों नहीं करती है ये बात भी देखें, क्योंकि देखिए इनके बीच में जो है उस नंबर का स्क्वेयर उससे छोटा होता है और यहां पर बड़ा दे रखा है। यदि हम इसमें मान लीजिए एक 0.1 वैल्यू ले लें ए की जगह, तो यहां पर हो जाएगा 0.1 का स्क्वेयर, 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर मीन 0.01। अब 0.01 तो इससे भी छोटा है और ये क्या दे रखा है, ग्रेटर देन, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा,
और सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सेकेंड वन देखिए, हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अब इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर. अब देखिए ए जो है वो छोटा हो गया बी बी स्क्वेयर से, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हो सकता है कि भाई बी भी छोटा हो जाए ए स्क्वेयर से, तो क्या होगा? बी कॉमा ए, ये बी कॉमा ए के लिए कंडीशन, डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब हम थर्ड वन कंडीशन के ऊपर बात करेंगे. और क्या है थर्ड वन कंडीशन देखिए जरा. लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. अब इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर. इसका मतलब क्या है? बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वेयर. अब जरा देखिए यहां से, ए छोटा है बी स्क्वेयर से और बी छोटा है सी स्क्वेयर से. इन दोनों से हम पता नहीं लगा सकते कि ए छोटा होगा सी स्क्वेयर से, ये बिल्कुल नहीं होगा. ए छोटा नहीं होगा बी स्क्वेयर से, तो क्या होगा? ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो फिर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. अब देखिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. सॉल्यूशन देखिए क्या है. हमें दे रखा है ये ए, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है. वहां पर यहां था स्क्वेयर और यहां पर क्या है? क्यूब. हम इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वाले के लिए देखिए, इसमें क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए यदि ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अब हमें लिखना कैसे? देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, बताया था. हम लिखेंगे कैसे? फोर एनी, ऐसे लिख के आना एग्जाम के अंदर, फोर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए इज लेस देन इक्वल टू, यही तो कंडीशन है अपनी. इसमें तो ए ए टाइप के एलिमेंट ही होंगे. इज नॉट ट्रू. फोर ए इज ये, इसके लिए ट्रू नहीं होगा ये. देखिए क्यों, जैसे हमने पहले भी किया था, स्क्वायर के लिए भी यहां पर ट्रू नहीं था, तो क्यूब में तो ये और छोटा हो जाएगा, तो वहां पर भी ये ट्रू नहीं होगा. हम फिर बोलेंगे ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये आपको परफेक्ट तरीके से इस तरह से एग्जाम में लिख के आना है. अब जरा देखिए, अब सेकंड वन देखिए, हम इसको भी अच्छे से बताते हैं. हमने ऊपर बता दिया था कैसे समझना है आपको, अब एग्जाम में कैसे लिख के आना. हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन बी क्यूब. भाई यही तो कंडीशन है कि वो किससे छोटा होगा? उसके क्यूब से छोटा होगा. अब हम यहां पर बोलेंगे नाउ ए इज लेस देन बी क्यूब डज नॉट इंप्लाइज दैट बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब. ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब डज नॉट इंप्लाइज दैट बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब. तो यहां पर ये बिल्कुल नहीं क्या हो सकता कि बी भी उससे छोटा हो. सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड वन देखिए क्या दे रखा है आपको. लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर. अब यहां पर क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब. यहां पर क्या है? बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब. अब देखिए हम बोलेंगे नाउ A is less than equal to B cube and C is does not implies that A is less than equal to C cube. So A comma C does not belongs to R and so R is not. देखिए ध्यान से. Oh sorry. हमने बोला यहाँ पर let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R where A B C belongs to R. Now A is less than what? Less than equal to B cube. एंड यहां पर क्या होगा? बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब डज नॉट इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब. सो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है?
चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए. इस ए सेट पर आपके लिए एक रिलेशन दे रखा है, वो क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी, और यहां पर क्या है, बी इज जस्ट वट इक्वल टू ए प्लस वन, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. हम देखिए पहले इसके लिए आर बना लेंगे. हमने देखा यहां पर जो बी है वो ए से क्या है, एक ज्यादा है. हमने मान लिया जब ए क्या है, वन हो तो बी क्या होगा, टू होगा. जब ए टू है तो बी क्या होगा, थ्री होगा. ए थ्री है तो बी क्या होगा, फोर होगा. ए फोर है तो बी क्या होगा, फाइव होगा. एंड ए फाइव है तो बी क्या होगा, सिक्स होगा. तो हम रिलेशन बनाए इसके लिए. रिलेशन क्या बन जाएगा अपने पास, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर, फोर कॉमा फाइव एंड फाइव कॉमा सिक्स. और देखिए यहां पर एज इक्वल टू सिक्स के लिए बी क्या होगा, सेवन होगा. देखिए ये इसमें नहीं आएगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जो बी इज इक्वल टू सेवन है वो ए के अंदर लाई नहीं करता, और जो एलिमेंट इसके अंदर लाई नहीं करेगा वो आपका रिलेशन के अंदर भी नहीं आएगा. अब हम बात करें रिलेशन रिफ्लेक्सिव कंडीशन की. वन के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, नहीं है. हम बोल देंगे वी हैव वन बिलोंग्स टू ए बट वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर. क्या है कि वन तो ए के अंदर है लेकिन वन वन आर के अंदर नहीं है. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सेकेंड वन देखिए, हम बोलेंगे वन टू के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर टू वन होना चाहिए. हम बोल देंगे वी हैव वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर बट टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड वन देखिए अपने पास क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. देखिए कहीं फिर देख ले कंडीशन, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, तो क्या होना चाहिए यहां पर, वन कॉमा थ्री, वो नहीं है. वी हैव बोलेंगे वी हैव वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर एंड टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर. सो बट वन कॉमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर. देखिए 1,2 और 2,3 तो है लेकिन 1,3 नहीं है. सो आर इज नॉट, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. आर क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा. हमने सारी कंडीशंस इस क्वेश्चन के लिए चेक कर ली. अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और वो क्या है जरा देखिए. सॉरी, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन. बहुत ही अच्छी बात कही है इसने, जरा देखिए कैसे. लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस. मान लिया ये पेपर क्या है अपने पास, एक प्लेन है. हम इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं. इनफाइनाइट तो नहीं है, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस भी ड्रॉ कर लें तो उन सब लाइंस को कलेक्ट करके जिस सेट के अंदर लिखेंगे वो क्या होगा, वो एल होगा अपने पास. एंड आर बी द रिलेशन इन एल, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज एल वन एल टू. एल वन एल टू टाइप का उसके अंदर एलिमेंट होगा और उनके बीच में कंडीशन क्या होगी, एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू सो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव. देखिए हम बोलेंगे यदि उसको रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या होगा, उसके अंदर एल वन कॉमा एल वन टाइप का एलिमेंट होना चाहिए. और एल वन के अंदर कंडीशन क्या है, एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल वन. ऐसा हो सकता है कभी कि भाई कोई लाइन उसके ही परपेंडिकुलर हो, ये कभी नहीं हो सकता. तो हम बोलेंगे बोलेंगे पहली कंडीशन में लिखेंगे सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो एल वन कॉमा एल वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर. एल वन कॉमा एल वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब सेकेंड वन पर देखिए, हमने मान लिया एल वन कॉमा एल टू, लेट एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब क्या है, एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, या फिर इसको ऐसे लिख दो एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू. हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल वन. इसका मतलब क्या है, एल टू कॉमा एल वन बिलोंग्स टू आर. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सो आर इज, सो आर इज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. आर इज सिमेट्रिक. थर्ड वाला भी यहीं पर देख लेते हैं हम इसी पोर्शन में. जरा देखिए इसका मतलब क्या, हमने मान लिया लेट एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर एंड एल टू कॉमा एल थ्री बिलोंग्स टू आर. अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है, एल
L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 के, हमने L1 ये मान ली और L2 ये मान ली, यहां पर देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और अगली कंडीशन क्या बोल रही है कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L2 परपेंडिकुलर है L3 के, यहां पर ये बन गया। अब अगर यदि इसको सिमेट्रिक होना है तो L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और L1 कॉमा L3 का मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 नहीं है, L1 इज जस्ट व्हाट पैरेलल टू L3, L1 इज जस्ट पैरेलल टू L3, सो L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। यही तो हमको प्रूव करना था कि R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।